हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं फिजिक्स क्लास वाला फिजिक्स फर्स्ट पर लेसन चौथे को आपको पढ़ा रहा था, जिस पर मैंने आपको बायो सेवर्ड के नियम को डिस्कस कर चुका हूँ। और इस वीडियो पे मैं आपके सामने निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकीयशीलता के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ आपके समझ में आने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपने केमिस्ट्री के रिएक्शनल पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वन को पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं देखा तो इंड स्क्रीन पर उसके सभी वीडियो जो कि प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, जब सारा का सारा टॉपिक वहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम क्या देखने वाले हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है और चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की जो शीलता होती है, चुंबकशीलता होती है, वह म्यू नॉट होती है। क्या होती है दोस्तों? म्यू नॉट होती है। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई हो तो मैं इनके बीच में आपको संबंध निकाल के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल समझ में आपके आने वाला है। तो आप क्या जानते हैं वह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि म्यू नॉट, अब आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालना है तो इनका दोनों के आपको मान पता होना। जैसे कि आप जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वह आप दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई का मान होता है 10^-7 होता है। इसके बाद आप एप्सिलॉन नॉट कहे में होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आप जानते हैं। इसका भी मान 9×10^9 होता है, ये भी आप जानते होंगे। नहीं जानते तो दोस्तों यहाँ से आज से आप जान लीजिए। तो इसे मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसे मान लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद मैं इन पे करने क्या वाला हूँ वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं समीकरण फर्स्ट और भाग दे दे रहा हूँ समीकरण नंबर सेकेंड का। देखिए दोस्तों, मुझे निर्वात में वैद्युतशीलता, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि वैद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट जो है किसी में मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में, और म्यू नॉट हमारा जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिलता है। अब आप समीकरण एक में चाहे 2 का भाग दे दीजिए या फिर समीकरण 2 में 1 का भाग दे दीजिए, दोनों तरह से आप करके देख सकते हैं, वहां से आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहां से मैंने समीकरण फर्स्ट भागे समीकरण सेकेंड किया है तो मैं इसका जब म्यू नॉट अपान में 4 पाई और अपान में इसका भाग दूंगा तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहाँ से ये ऊपर मैंने रखा है समीकरण एक को तो ये वाला पार्ट ऊपर होगा, इसके बाद मैंने इसको नीचे रखा है तो 9×10^9 नीचे होगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसको हम जब पलटेंगे, साल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपको शायद दिख ना रहा हो इसलिए मैं यहाँ पे इसे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर होने क्या वाला है देखिए दोस्तों, जब कभी आप ये 4 फंक्शन सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले 2 फंक्शन उसी प्रकार लिख देते हैं और जो सबसे नीचे वाला फंक्शन होता है उसे सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे वाले फंक्शन को सबसे ऊपर ले गया हूँ और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे रख देते हैं। ये 4 फंक्शन सॉल्व करने का मेथड होता है। ये 4 पाई यहाँ से 4 पाई मेरा कैंसिल हो जाने वाला है। अब ये 10^-7 है, इसको नीचे ले आएंगे दोस्तों। तो जब इसे नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 9×10^9 और मुझे ये जो ऊपर माइनस में घात दी हुई है ये नीचे जब आएगी तो प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 10^7। अभी जब आपस में बेस बराबर हैं, यही कहा जाता है मल्टीपल में घातें जुड़ती हैं, जब ये बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर घातें जब ऐड हो जाएंगी तो हो क्या जाएगा दोस्तों, 9×10^9 = 16। तो 10^16। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ से आपने म्यू नॉट बचा आपके पास और एप्सिलॉन नॉट बचा तो यहाँ से लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब होने क्या वाला है, यहाँ से 1/9×10^9 को आप लिख सकते हैं 3×10^8 का होल स्क्वायर। आप क्या देखा कि ये जो 3×10^8 है ये हमारा प्रकाश की चाल होता है। 3×10^8 सी बराबर होता है प्रकाश की चाल 3×10^8, यानी कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3×10^8 मीटर पर सेकेंड चलता है। तो यहाँ से हम
3×10^8 के स्थान पर रख देंगे सी, तो ये हमारा हो गया जाने वाला है 1/c, इसके स्थान पर मैंने रख दिया। फिर ये जो स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1/c²μ0/ε₀₀ का जो संबंध होगा वह निकल आएगा 1/c². इसके बाद अगर आप उलट पलट के करना चाहते हैं तो भी वही आएगा, चाहे जिस समीकरण में भाग दे दीजिए, समीकरण एक का, चाहे समीकरण दो में दे दीजिए अथवा समीकरण दो का समीकरण एक में दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ निर्वात में वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध आपके समझ में आ गया होगा। आसान तो है यार, कुछ नहीं है। वैद्युतशीलता होती है ε₀₀ और चुंबकशीलता होती है μ₀₀। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बस नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।